रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब जल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता दे ना। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज दिन है सैटरडे का, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? और हम सुबह सुबह हस्बैंड वाइफ निकल गए हैं आउटिंग पे। हम लोग आए सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए मूरथल, और मूरथल के आप लोग जानते हैं फेमस पराठे हैं सबसे ज्यादा। मगर हमें रास्ते में हमें जाना था अमृत सुखदेव, रास्ते के अंदर हमें मिला है यहाँ पे ये हवाई अड्डा। जी हाँ, देखिए दो दो जहाज खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आइए चलते हैं अंदर। गाड़ी हमने थोड़ी देर यहाँ पे रोक ली है। अच्छा, यहाँ जो हम आए ना, कैसे आए आइए ये दिखाते हैं पहले आपको। तो गाइस, आपके भाई ने ना यहाँ पे देखिए सीट लगवा ली अपनी गाड़ी पे, और हम दोनों माशाल्लाह से गाड़ी पे बैठ के, कैसा मजा आया फातिमा? गाड़ी का एक्सपीरियंस बताओ, गाड़ी का बहुत मजा आया, और भैया ने बहुत अच्छी सीट लगा कर दी है, कम्फर्ट भी है बहुत ज्यादा। तो भैया आपको बहुत बहुत थैंक यू। इसके पीछे ना यहाँ पे बैक रेस्ट भी लगाया, ये देखिए अपना आराम से कमर लगाओ और आराम से बैठ जाओ। यहाँ पे हानिया को, रैयान को, जोहान को लेकर नहीं आए, उनको हमें ना घर पे छोड़ गया शाइस्ता बाजी के पास। नाश्ता करते हैं यहाँ पे जहाज में बैठ के, आज हमारा पहला एक्सपीरियंस है ये। तो आइए चलिए हमारे साथ अंदर। गाइस, इन जहाज में बैठने के लिए ना चलते हैं पहले बोर्डिंग पास लेने। आओ फातिमा, कैसा लग रहा सुबह सुबह? अच्छा लग रहा है, मजा। तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा, तुम्हें बुरा लगेगा कब है भाई। चलो पहले बोर्डिंग पास लेते हैं यहाँ से, आ जाओ। हाँ मालूम कर देना पहले। लो, हमारी तो सुबह सुबह एंट्री भी फ्री हो गई है, क्योंकि 8 बजे के बाद है टिकट ऊपर आने का 100 रुपये का, और हम लोग आ गए 8 बजे से पहले ही, तो अभी हमारी एंट्री फ्री है। गुड मॉर्निंग। चलो इधर आ जाओ। तो गाइस, घर से 6:30 बजे निकल के 7:45 बजे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। खाली मंगा लो, मैं तो कह रहा हूँ। नाश्ता तो ऐसे होता है। कैसा लग रहा है, मतलब हस्बैंड के साथ आके सुबह सुबह नाश्ता करने, वो भी घर से बाहर? गाइस बहुत अच्छा। उधर देख के बोलो, कहाँ बाहर देख रहे हो? बाहर कौन सी वादियाँ दिखा रहे हैं? फर्स्ट टाइम निकलेंगे यार। उसके अंदर मतलब बहुत बड़ा रोल जो है ना, वो सन्स वालों को जाता है, जिनसे मैंने अपनी बाइक में काम करवाया था। उन्होंने सीट लगा के दी है, मैंने पूछा भैया कितने की, उन्होंने कहा पहले भैया सीट लेके जाओ, भाभी को घुमाओ फिराओ, उसके बाद मतलब पैसों की बात करना, पहले आप इससे कंफर्टेबल हो पहले सीट से। तो सीट जो भी उन्होंने लगा के दी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया गाइस। तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, हम सीट का वो लेने के लिए निकले हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए बाहर। तो ड्राइव भी हो जाएगी, सुबह सुबह नाश्ता भी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा गर्म गर्म पराठा भी आ चुका है अभी। फातिमा का तो मज़ा आ गया आज, मतलब बाइक फातिमा ने ना ओके कर दी बिल्कुल, कि हाँ भाई मज़ा आ गया बाइक पर बैठ गया। तो है मेरी लस्सी आ रही है फातिमा, पनीर का पराठा, और मेरे लिए लस्सी, और फातिमा के लिए चाय। लगाओ। लगा दी। अच्छा कुछ केचप, ये लो ना, ये लो, ये रहा, ये लो पिकल है, पिकल 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 पिकल, ये लो। बहुत बेहतरीन इंतजाम है गाइस यहाँ पे। पराठा जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हानिया तो सो रही थी अभी, तो इसलिए हमने सोचा हम नाश्ता कर जाते हैं ना कि जल्दी से। सुबह सुबह आने से हमें एक बेनिफिट मिल गया कि मतलब हमारा जो बोर्डिंग पास है ना, जो नीचे से मिलता है 100 रुपये का, वो नहीं मिला, फ्री में आ गए, फ्री फ्री में पड़ा गए। नहीं भैया, अच्छी है, अच्छी है लस्सी। स्ट्रॉ डाल के चाय पी लो भाई, जबरदस्त है भाई लस्सी। चाय पीनी
ट्राई करके देखते हैं। चाय लस्सी और चाय का ना साथ में पिएगा तो वो पेट में फटेगी। दिल तो कर रहा है कि एक पराठा और खाया जाए मगर वही फिर पेट भर जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मूरथल अमरीक सुखदेव, थोड़ी सी आगे है इससे वो, और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खाएंगे ज़रूर, है ना। और वहाँ का है ना, मैं एक शेक पिलाऊंगा फातिमा तुम्हें अगर मिल रहा होगा तो, क्योंकि सुबह सुबह का सुबह का टाइम है, हो सकता है शायद ना भी मिले। कोई बात नहीं, शाम तक यहीं रुकते हैं, बहुत देर हो जाएगी भाई। कहाँ यहाँ पे कहाँ रुकेंगे, मैं कौन सा रुकने वाला हूँ। लेकिन आप जो है ना चाय पी लेते फिर सर में दर्द हो, भाई तुम साथ हो तो सर में तो दर्द होगा, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ चाय पी लेंगे रुक के गाड़ी। गाइज ये ना यहाँ पे डीजे का बना हुआ है, मतलब गाने वगैरह चलते हैं यहाँ पे शाम में, और यहाँ पे आप डांस वगैरह भी कर सकते हैं। है ये डीजे चलता है, रात में चलता है, रात में चलता है। अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजा तो तुम्हें आने ही था क्योंकि तुम्हारे मतलब का काम हुआ आज तो सुबह ही सुबह। आँख खुलते ही मतलब तुम्हारी किस्मत चमक गई आज। भाई खुलते ही घूमना मिल गया। जोहान ये लगे हुए तुम्हारे लिए झूले, मगर बंद है अभी, ये चालू नहीं है फातिमा। अच्छी जगह है गाइज, आप लोग आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, और मतलब कुछ महंगा भी नहीं है। यहाँ पे मिलता है बोर्डिंग पास इस जगह पे। सर प्राइस कितना है इसका वैसे? 200 रुपए का है। अच्छा कपल के लिए है वो 200 रुपए का। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो गाइज मन तो था हमारा छोले भटूरे खाने का, फातिमा का भी और मेरा भी, मगर है ना छोले भटूरे यहाँ मिलेंगे सुबह में क्या हर टाइम, अब आपको है ना ऊपर जहाज में नहीं मिल सकते छोले भटूरे, तो हमने इस वजह से ऊपर जाके ना पराठा खाया है अभी। हाँ जी, ओहो मैडम यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे अपना, देखिए गाइज, ओहो ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है भाई। ये तो सब असली लगा हुआ है बिल्कुल, ये देखिए गाइस जहाज नीचे से। ओए होए 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 होए, वहाँ चलोगी या फिर घर चले सीधे, ये बताओ। वहाँ भी जाना है? अच्छा, आप कह गए तो वहीं कल आए थे, फिर आपको ये नजर आई तो आप। हाँ हम इधर आ गए गाइस, असल में ना हम लोग निकले तो वहीं के लिए थे अमरीक सुखदेव के लिए, मगर रास्ते में ये भी चीज़ हमें अच्छी मिल गई। तुम चलाओ मैं पीछे बैठता हूँ, हेलमेट ओढ़ो। और गाइस यहाँ पे फातिमा मैडम के लिए ना एक बड़ा प्यारा सा हेलमेट आया, ये देखिए ग्रीन कलर का, फातिमा लगा के दिखाओ। ओहो फातिमा मैडम तुम तो बिल्कुल आ जाना, थोड़ी स्मार्ट बच्ची सी लग रही हो यार, कितनी बढ़िया लग रही है ना माशाल्लाह से देखने में। अच्छा कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स करके नहीं बताते यार, एक दफ़ा तो तारीफ़ करो मेरी बाइक की, कम से कम एक दफ़ा तारीफ। अब तो आपके कहने पे आपकी भाभी के लिए सीट भी लगवा ली मैंने, और देखिए इतना प्यारा सा हेलमेट दिलवा के लाया हूँ, ये देखो झूम। मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली अभी अमरीक सुखदेव, और यहाँ पे देखते हैं। फातिमा कुछ खाओगी? क्या खाओगी बताओ? पराठे। हाँ पराठे मिलेंगे, आलू के, बैगन के, गोभी के, अखरोट के, अदरक के, तुम बताओ कौन सा खाना है। नहीं वहाँ से पनीर का खाएंगे। ये जो है ना यहाँ पे छोले भटूरे ले रहे हैं, यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, और डोसा खाने का। मगर मैंने मना कर दिया, मैंने फातिमा डोसा नहीं छोले भटूरे खाते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज वाली। पराठे में ना मजा से नहीं आया, खा तो लिया हमने मगर पेट नहीं भरा हमारा। और गाइस हमारे जो है ना छोले भटूरे आ चुके हैं, ये रहे। कहाँ पे खाना?
ओहो धूप में नहीं बैठना भाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चलो। फातिमा बस करो भाई, कितना खाओगी यार, चार भटूरे खा चुकी हो तुम। हीट नहीं फेंक रहा भाई ये? अबे यार फातिमा फिल्म हो भाई, सच में यार बहुत तगड़ी वाली फिल्म हो। गाइस फातिमा बोल रही है कि हीट फेंक रहा है ये वाला पंखा। अरे कितना मजा आ रहा है, देखो इसके आगे खड़ोगे देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखो। और आगे को जाओ, कुछ कहेगा थोड़ी है। आहा कितना मजा आ रहा है, सीधी बच्ची मिल गई गाइस आपके भाई को, जो कह रही है पंखा है ना हीट फेंक रहा। अबे यार खाओ जल्दी खाओ, चार पराठे खा लिए तुमने माशाल्लाह से, पराठे गरम भटूरे खा लो बस, अब चार खा के ऐसा कर रही हो, ऐसा एक नहीं खाया। तो गाइस फातिमा ने मेरे लिए यहाँ पे थोड़े से भटूरे छोड़े, अब मैं कर देता हूँ इनकी यहाँ पे सफाई। और क्या, मैं सफाई कर्मचारी हूँ मैं। अब ये ना मतलब ऐसा नहीं है कि फातिमा ही गाँव की है, मतलब यहाँ पे मतलब गाँव वाली है, वो भी यूपी साइड की है। अभी दो तीन लेडीज हो रही थी, वो भी यूँ कह रही थी यू क्या फेंक रहा। फातिमा के एकदम नंबर पड़ गए, फातिमा कह रही देखो मतलब खाली मैं ही नहीं हूँ, इनको भी नहीं पता कि क्या है भाई, मैंने वो भी तो यूपी साइड से थी, उन्होंने हाँ उन्होंने ऐसे कहा, ये कह रही ये क्या फेंक रहा। तो कहते अभी सुबह के ना 9:15 हो रहे हैं, और देखिए माशाल्लाह से कितनी भीड़ है भाई यहाँ पे। धुआं निकल रहा, यो क्या हो रहा। तो गाइस फाइनली खाना पीना हो चुका है अभी यहाँ से, और अभी चल रहे हैं यहाँ से हवेली। जो हवेली है ना मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर है यहाँ से अमृत सुखदेव से। तो फातिमा मतलब मजा भी आ रहा था, मैंने यार ये बताओ यार मजा तो आ रहा है ना यार। फातिमा को तो ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस के मजा ना आए, आज आज तो फातिमा की मन मर्जी वाला काम हो रहा है यहाँ पे, जवाब नहीं भाई। काम आप अगर रोज कर दो, रोज भी करेंगे इंशाल्लाह गाइस, अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप चाहेंगे कि हम आपको एक से एक जगह दिखाएं, अच्छी अच्छी जगह दिखाएं, घूमें फिरें साथ में, आपको भी घुमाएं, तो इंशाल्लाह ऐसा होगा ज़रूर, मगर जब होगा जब आप चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे हमारा करेंगे। तो ठीक है अभी निकलते हैं यहाँ से अमरीक सुखदेव से, चलते हैं हवेली की तरफ। क्या हो गया, कैसे बावली से हो गई तुम्हें, गर्मी हो रही है ना, और घूमो जब भी मैं कहता था घर पर आ करो, पता चल रहा है ना अब गर्मी गर्मी का एहसास हो रहा है। ठंडक में आए थे ना, हाँ ठंडक में आए थे गाइस, अभी 9 बजे इतनी गर्मी हो चुकी है, 9:15 हो चुके इस टाइम, और गर्मी है ना बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। चलो आओ बैग निकाल लो भाई, इस गाइस हमें इस बैग से भी बड़ी सहूलत हुई है भाई, ये देखिए ऐसे करके इसको हटा लो यहाँ से, और आराम से चिपक जाता है, नहीं हेलमेट नहीं गिरेगा। सीट पर तो कम्फर्ट हो तुम, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, बढ़िया। चलो आओ अंदर चलने आओ। आज आपके भाई ने ना फातिमा मैडम को थका दिया, और आप लोग भी बहुत कहते थे कि फातिमा को घुमा के लाओ भाई, घुमा के लाओ, इसी वजह से हमने है ना। तो गाइस ये मुझे इतना थका देंगे, मैं इनसे कहीं जाने के लिए कहूँगी नहीं। अच्छा गाइस सबसे पहले ना हम लोग आए थे हवाई अड्डे पे, उसके बाद फिर हम लोग आए अमृत सुखदेव, अब आ चुके हैं हम हवेली। हाँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा बिछोना, हाँ एक जगह है गाइस बिछोना, वहाँ पे भी लेके चलूंगा, तो वो घर पे मिलेगा चल के। तो गाइस अभी हवेली पहुँच चुके हैं हम लोग, ये देखिए फातिमा, मैं तो जा रहा हूँ अपनी वाली बाइक से, तुम इसको ले आना ठीक है, ये और बढ़िया मिल गई तुम्हें, ये देखो बढ़िया लग रही है, तुम जच रही हो इसमें बैठ गए हैं, इसे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा पहले जब चलेगी ये, बढ़िया लग रही हो तुम। अगर ये वाली गाड़ी ले गए ना जाफराबाद में, और देखेंगे लोग बाग कहेंगे ये क्या लेकर आए हो, बढ़िया। फोटो वोटो नहीं खींच रहे, वीडियो में आ दोगे, फोटो का क्या करना। भाई जी कुछ और नया एक्सपीरियंस मिला आपके भाई को यहाँ पर आके, अब आप दुआ करिए फटाफट से सब्सक्राइबर हमारे और बढ़वा दीजिए, फिर कुछ इस तरह की बाइक लेंगे, फिर इस पर ना पूरी फैमिली आ जाएगी हमारी। हाँ। देखो कितनी लंबी सीट है, कितनी लंबी सीट है, पीछे पीछे टैग लगवानी पड़ेगी बस, फिर पूरी फैमिली आ जाएगी। हाँ। चलो उतर जाओ बस भाई। तो गाइस ये जो है ना पानी लेकर आ रहे हैं मेरे लिए वहाँ से, बारिश तो आनी है ना। पानी ठंडा भी है, नहीं एकदम प्यास लग रही है बहुत तेज।
बता देना। गाइस गाड़ी खड़ी करवा देते हैं इनकी, गेट खोल देती हूँ पहले। भाई मिट्टी कहाँ से आई है तो नहीं, लो चलो आ जाओ। और हम अपनी वाली गाड़ी है ना अंदर लगा देते हैं यहाँ पे। बहुत शोर मचाती है गाड़ी और माशाल्लाह से ये गाड़ी इतनी अच्छी हो गई हमारी कि आने जाने की भी मतलब हमें कहीं परेशानी ख़त्म हो गई। और ये इस पर बैठ के जच भी रहे हैं, हीरो से लग रहे हैं, हीरो से। दुल्हन को ढक दिया। हाँ, और नहीं ये इनके अंदर बहुत अच्छी आदत है कि अपनी गाड़ियों की जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा केयर करते हैं माशाल्लाह से शुरू से। बच्चों की भी तो, अपने बच्चों की भी, अपनी बीवी की भी, वो तो खैर केयर तो खैर आप सभी की करते हो माशाल्लाह से। बस आज के लिए इतनी तारीफ बहुत है इनकी। तो ठीक है गाइस, फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। हमारी हानिया भाई, तो ठीक है गाइस, फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। और भाई हमारी हानिया बच्ची है ना यहाँ पे तैयार हो चुकी है नहा धो के। तो ठीक है गाइस, हम लोग घर पे आ चुके हैं अपने। और भाई शाइस्ता जी ने यहाँ पे हानिया को उठा के नीला धुला भी दिया है ना भाई, नहीं कर लिया आपने? मुंह साथ निकालो, मुंह में साथ निकालो जल्दी से ये। तो ठीक है, इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे बंद करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ चैनल को एक तो सब्सक्राइब करिए, और दूसरी बात ये अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं कर रहे। और दूसरी बात गाइज ये कि आप लोग है ना कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो आपको हम देते रहेंगे। अभी नहीं कर रहे माम भाई। तो ठीक है, बंद करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ही। इस उम्मीद से कि शायद आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग के अंदर कुछ नया लेके। हमें दीजिए इजाज़त, हाफिज़ करो, हाफिज़।